मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राहुल गांधी, आई राहुल गांधी, दैट श्री ओम बिरला, ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, बी चूजन एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, दोज इन फेवर में से आई, श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये तेवर, ये कलेवर बता रहे हैं कि ये सिर्फ हंगामा भर नहीं, ये आने वाली सियासत का ट्रेलर जो आपको संसद में दिखाई देने जा रही है, ये सियासत का माइंड गेम है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी से ही मनोवैज्ञानिक लीड लेने की कोशिश में, ताकि सदन में अपनी बातें मनवा सकें और अपने मन की करवा सकें। वैसे भी सियासत संकेतों और बॉडी लैंग्वेज का कमाल का कॉम्बिनेशन है, और संसद की बात की जाए तो वहाँ ये सब एक साथ नजर आता है, और वो भी बड़े दिलचस्प अंदाज में। जैसे जैसे फ्लोर का मैथमेटिक्स बदलता है, वैसे वैसे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी बदलती जाती है, और हवा की बात करें तो वहाँ की हवाएं बदली हैं, तो हाव भाव भी बदले नजर आ रहे हैं। और ये हाव भाव, या यूं कहें कि बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ स्क्रीन पर देखने सुनने भर की चीज नहीं है, इनसे देश की सियासत की दशा और दिशा भी तय हो सकती है। बाकी बीते कुछ दिनों से संसद में पक्ष विपक्ष के बीच जो चल रहा है वो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि उसके गहरे सियासी संदेश भी। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, राजनीति के गलियारों का वो शो जहां खबर के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराते हैं, परतों की लिपटी सियासत की सच्चाई बताते हैं और आपको सियासत का हर वो एंगल समझाते हैं जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप देश को और उसके नाम पर हो रही सियासत को बखूबी समझ सकें। लेकिन आज मैं सियासत के जिस एंगल को डिकोड करने जा रही हूँ वो खालिस सियासत से ज़्यादा उन संकेतों की बात करता है, और वो बताता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। ये संकेत समझने के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि सदन का अंक गणित बदल चुका है, क्योंकि बीते 10 साल में करीब करीब हाशिए पर रहा विपक्ष अब अपनी ताकत समझ चुका है और वो ऑफेंसिव है, और मजे की बात यह है कि उसकी ये ताकत सरकार भी अच्छे से समझती है, फिर भी वो डिफेंसिव नहीं दिखना चाहती। इसकी पहली झलक आपको 26 जून को ही देखने को मिली होगी, जब स्पीकर का चुनाव हुआ। विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पहले तो परंपरा का हवाला देकर डिप्टी स्पीकर की मांग कर दी, लेकिन इस मांग में से एक तरह की चुनौती भी आपको देखने को मिली होगी कि भाई देखो, अगर नहीं मानोगे तो हम भी स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, और हुआ भी वही। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये स्पष्ट मैसेज था कि नंबर हमारे साथ है और आप भी अभी विपक्ष में ही हैं। और अल्टीमेटली हुआ ये कि विपक्ष ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दाव चला था वो काम नहीं आया, और उल्टा जब ओम बिरला को ध्वनि मत से स्पीकर चुना गया तो खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ उन्हें आसन तक छोड़ने पहुंचे, यानी परंपरा भी रह गई और मर्यादा भी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां विरोध में भी सहमति नजर आती है, मतभेद में भी मर्यादा। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने मैसेज क्लियर कर दिया कि फ्लोर का मैथमेटिक्स जरूर बदला है लेकिन सरकार का मिजाज नहीं। इसीलिए लोकसभा में कुछ बीते दिनों में 24 घंटे का ये घटनाक्रम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए,
समझना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें फ्लोर मैनेजमेंट का बेहतरीन नमूना है। और इसे एनालाइज करने से ये भी पता चल जाता है कि आखिर आने वाले सालों में सदन और सरकार कैसे चलेगी। इसीलिए सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखते हैं और फिर इन्हें डिकोड करते हैं। किसी भी जन प्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। बैठिए, ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। दरअसल बदले हुए नंबर गेम में विपक्ष ये बताना चाहता है कि अब उसे हल्के में ना लिया जाए। तो वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो विपक्ष का सम्मान करेगी, लेकिन सरकार तो वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती आई। और इसके पीछे कई वजह है। पहली ये कि सरकार विपक्ष की किसी मांग के आगे टस से मस नहीं होगी, झुकेगी नहीं, तो आगे भी ऐसा ही होगा, आगे भी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, उसे साफ कर दिया कि वो दबाव में नहीं आएगी, और इसीलिए उसने विपक्ष की शर्त तो दूर, परंपरा के नैरेटिव को भी दरकिनार कर दिया। तीसरा संदेश भी स्पष्ट है कि सीटें भले ही कम हो गई, लेकिन सरकार चलाने का मिजाज ना तो बदला है और ना ही बदलेगा। और यही नहीं, स्पीकर चुनाव पर विपक्ष को आर पार का चांस देकर बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि अभी भी फ्लोर की मैथमेटिक्स और एनडीए के साथियों पर पूरा कंट्रोल हमारा है, और इसीलिए वो ऑफेंसिव ना सही लेकिन डिफेंसिव भी नहीं रहेगी। और यही कसर ओम बिरला ने स्पीकर बनते ही पूरी कर दी। आपने देखा होगा कि स्पीकर बनते ही जब उनका पहला भाषण हुआ तो ओम बिरला के मिजाज बदले हुए थे। स्पीकर चुने जाते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो इमरजेंसी पर एक प्रस्ताव ले आए और इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन का प्रस्ताव रखा। जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। साथ ही ओम बिरला ने विपक्ष को यह भी साफ कर दिया कि जब आसन पैरों पर हो, यानी स्पीकर जब खड़े हो जाते हैं, तो आप सभी चुप हो जाएं और ये बात मैं अगले 5 साल तक नहीं दोहराऊंगा। बॉडी लैंग्वेज में आक्रामकता नजर आई। अब ऑब्वियसली विपक्ष संविधान की कॉपियां लहराकर, संविधान का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इमरजेंसी के नाम पर उसका तिलमिलाना तो तय था। लेकिन स्पीकर महोदय के एक मूव ने विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की हवा निकाल दी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने, यानी एनडीए की सरकार ने, जब इमरजेंसी का बात कही, जब पहले दिन नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया संसद सत्र के पहले दिन, तभी ये समझ आ गया था कि संविधान वर्सेस संविधान, अगर आप हमें घेरने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास तर्कश से बहुत सारे तीर, भले ही पुराने लेकिन ऐसे निकलेंगे जो कि पूरे इतिहास को और आप पर आज भी सवाल खड़े करते हैं। अब ऐसे में जब सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के ऊपर हावी है, और वहीं विपक्ष इस बार ये तय कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटे। इससे पहले राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा तंज कसा था, इशारों इशारों में ये भी बताया था कि स्पीकर महोदय अब हम वो पहले वाला विपक्ष नहीं रहा, इसीलिए सोच समझ कर सस्पेंड कीजिएगा। आपने सुना होगा सुप्रिया सूले से लेकर सबके अखिलेश यादव राहुल गांधी की बात, क्योंकि वो ओम बिरला से वाकिफ थे, उनके कार्यशैली से, इसलिए सब ने अपने बयानों में ओम बिरला को बैकफुट पे लाने की कोशिश की, उनके काम को लेकर सवाल भी किया और आगे उम्मीद की कि जिस तरीके से आप सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ डील करेंगे, उम्मीद करते हैं आप विपक्ष के साथ भी करेंगे। लेकिन अगले कुछ मिनटों में ही ओम बिरला ने साफ कर दिया कि वो सदन कैसे चलाने वाले हैं। यही नहीं, जब विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया तो उन्होंने आईना दिखाने में भी देर नहीं लगाई, वो उसी फॉर्म में दिखे जो कि पिछली लोकसभा में नजर आई, यहां तक कि थोड़े आक्रामक पिछली बार से ज्यादा थे। प्लीज बैठिए, बैठिए, माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाए करें।
ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। रही सही कसर अगले दिन यानी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूरी हो गई, क्योंकि स्पीकर महोदय ने तो जो किया वो किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का वो काला चैप्टर खोल दिया और जैसे जैसे वो उसकी इबारतें पढ़ रही थी सरकार की, वैसे वैसे विपक्ष की बेचैनी भी बढ़ती जा रही। 25 जून 1950 तारीख को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। यानी इन दो दिनों में ही साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह सरकार चलाने वाले हैं और किस तरह सदन चलाने वाले, क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सिर्फ मजबूत विपक्ष की ही चुनौती नहीं है, एनडीए को साधना भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। और एक और बात आपने विजुअल्स में देखा होगा, अभी आप लगातार विजुअल्स देख रहे हैं, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज, जैसे ही वो LOP चुने जाते हैं वो टी शर्ट और ट्राउजर छोड़कर अपने लिबास बदल लेते हैं, राहुल गांधी कुर्ते पजामे में आ जाते हैं और राहुल गांधी भी आक्रामक अंदाज में आते हैं और राहुल गांधी के हर एक मूव पर चर्चा सदन के अंदर सदन के बाहर सोशल मीडिया पे होती है। तो राहुल गांधी का LOP बनकर हर एक मुद्दे पर आवाज़ उठाना भी सरकार के लिए साइकोलॉजिकल चुनौती बन गई है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस यही कोशिश कर रही थी कि मोदी वर्सेस राहुल की ये पिक्चर लोग एक्सेप्ट करना शुरू करें। और अब कांग्रेस इस बात के लिए खुश है कि जब राहुल एक सिंसियर नेता की तरह हर बात पर सवाल उठाएंगे संसद में, तो जाहिर तौर पर जनता के बीच उनकी एक्सेप्टेंस और ज़्यादा सिंसियर और संजीदा नेता की तरह बढ़ेगी और सरकार के लिए साइकोलॉजिकल चुनौती ये भी रहने वाली है। अब बीते कुछ दिनों में अगर जिस तरह के फैसले लिए गए सरकार द्वारा, उसे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑफेंसिव डिफेंस के मोड में है, फिर चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर NDA के अंदर। और इसीलिए कौन मंत्री बनेगा, सहयोगी क्या डिमांड करेंगे, पहले तो इस चैप्टर को स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली क्लोज किया और फिर स्पीकर को लेकर भी मैसेज क्लियर कर दिया। मजे की बात यह है कि इस दौरान न विपक्ष की खास चली और ना ही NDA के दूसरे दलों की। और क्या साफ कर दिया, एक बार फिर आपको बताते हैं कि ये सब सरकार कर क्यों रही है। सरकार पहले तो ये बताना चाहती है कि नंबर कुछ भी हो, जो फैसले हमने पहले लिए पहले की तरह लेते आए हैं ठीक वैसे ही सरकार चल रही है, कंटिन्यूटी की सरकार है, कुछ नहीं बदला, चलेगी नरेंद्र मोदी की ही, संसद के अंदर, संसद के बाहर, पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, इसी कंटिन्यूटी का मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। और आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी वो काफी कुछ झलक उनके ही जबानी नजर आई होगी, क्योंकि अटकलें ये भी थीं कि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो हो सकता है कि स्पीकर की पोस्ट NDA के सहयोगियों के पास जाए, आपको ओम बिरला को एक्सेप्ट हो सकता है नहीं किया जाए, सहयोगी से पूछा जाएगा, विपक्ष आक्रामक होगा, मैथमेटिक्स बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बीजेपी ने ओम बिरला का नाम फाइनल कर दिया और अंत समय तक इसको एक बार फिर सरप्राइज ही रखा गया और उनके नाम पर NDA की भी मोहर लगी और सदन की भी मोहर लगी। तो ये हुए मोदी 3.0 के मैसेज की बात कि सरकार तो यूं ही चलेगी, ये मैसेज दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सरकार यूं ही चलेगी या सिर्फ संकेतों की सियासत है, यानी ये देखने की कोशिश की कि हम कमज़ोर समझने की हमें ज़रूरत ना की जाए, हमें कमज़ोर ना समझा जाए और ऐसे में जनता के बीच मजबूत नेता और बड़े फैसले लेने वाले नेता की छवि बनी रहे। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि क्या बॉडी लैंग्वेज से अलग वाकई सरकार बड़े फैसले ले पाएगी, लेकिन वो भी तू डाल डाल मैं पात पात वाली स्टाइल में, और फिर बदले हुए आंकड़ों की ताकत तो है और लोकतंत्र में आंकड़े सब कुछ ना सही लेकिन सब कुछ से कम भी नहीं होते। इसीलिए अब बात करते हैं चुनौतियों की, क्योंकि चुनौतियां अगले 5 साल के लिए ना सिर्फ सरकार के लिए हैं, आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें
सरकार के साथ साथ संसद की भी चुनौतियां हैं, स्पीकर के लिए भी चुनौतियां हैं। ओम बिरला के लिए ये संसद वो पुरानी संसद नहीं होगी। चेहरे भले ही बहुत कुछ एक जैसे होंगे, लेकिन संसद चलाने का तरीका बहुत बदला हुआ होगा। वहीं साथ में यही चुनौतियां विपक्ष की भी होंगी। विपक्ष भले ही सोचे हमारे नंबर ज्यादा हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही हैं। तो पहली चुनौती तो ये कि कभी जो मोदी सरकार नोटबंदी, आर्टिकल 370 हटाना या फिर तीन तलाक जैसे फैसले ले रही थी, क्या वो अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, जनसंख्या नियंत्रण या फिर एनआरसी जैसे सनसनीखेज कानूनी जो बहुत सारे कानून हैं उसे मजबूती से ला पाएगी? और इसके अलावा भी एफडीआई को लेकर एक बिल है, बीज विधेयक है, इसके साथ साथ आईटी को लेकर एक बड़ा बिल है जिसमें एआई के साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब को लेकर भी बड़े फैसले होंगे, ऐसे कई बिल हैं। या फिर बिजली के बिल, बिजली को लेकर भी तमाम ऐसे नए बिल हैं, एफडीआई के इन्वेस्टमेंट को लेकर बिल हैं जो सहयोगी दल या विपक्ष तैयार नहीं होगा। तो सवाल बहुत बड़ा है, और इसलिए भी क्योंकि सरकार और संसद के प्रधान की हैसियत से जब राष्ट्रपति मुर्मू ने ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया तो 50 मिनट के अपनी स्पीच में उन्होंने डिफेंस से लेकर रोजगार, गरीबों से लेकर किसानों तक कई बातें की, खासकर डिफेंस को लेकर। लेकिन इसकी उनकी जो स्पीच थी उसमें अग्निवीर योजना का नाम तक नहीं आया। और जब बात संकेतों की ही है तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 साल पहले जब सरकार सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना लाई थी तो इसका जमकर विरोध हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद ये योजना जारी रही। हाँ, अंतर यह है कि तब सरकार के पास फुल मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी तो अब भी है एनडीए की, लेकिन अकेले दम पर नहीं, और इसीलिए ये योजना को लेकर नरमी बरतने के संकेत दिए जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो पूरा जो अग्निवीर को लेकर जो अफेक्टेड राजस्थान है, हरियाणा में सर चुनाव आने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो अग्निवीर को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, जो वोटों में, वोटिंग के दौरान और नतीजों में नजर आए। अब जबकि विपक्ष खासकर राहुल गांधी इसी योजना को लेकर, इसे लेकर हमलावर हमेशा रहे हैं, और तो और ये विपक्ष के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि नंबर गेम का बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले समय की संसद बहुत अलग होने वाली है, लेकिन वो सामान्य कामों में नजर अभी तक नहीं आया है। उसका टेस्ट तब होगा जब सरकार यूसीसी, एनआरसी या फिर जनसंख्या नियंत्रण जैसे बिल, ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल बिल हैं, कानून हैं, वो टेबल करेगी। तो सवाल ये है कि जो मोदी सरकार जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रही है, स्पीकर चुनाव में झुकने को तैयार नहीं थी, ना कॉम्प्रोमाइज़ करने का मैसेज दिया उन्होंने, वो ऐसे बड़े फैसले और कानूनों को लेकर भी यही तेवर अपनाएगी जो अभी तक नरेंद्र मोदी को देखने में समझ आ रहा है, या फिर सिर्फ तेवर ही अपनाएगी और ऐसे क्रूशल फैसले या कानून पर साइड से निकल जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन संसद के पहले हफ्ते में जो कुछ घटा उसमें विपक्ष खासकर कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मैसेज, आप चाहें तो इसे चेतावनी कह सकते हैं, और वो ये कि अगर उसे एनडीए की मोदी सरकार को संसद में साधना है, बार बार सवाल करने हैं, बैकफुट पे लाना है, तो उससे पहले उसे इंडिया गठबंधन के उन क्षेत्रीय दिग्गजों का भी पूरा ध्यान रखना होगा जिनकी वजह से ही विपक्ष 234 के डिफेंस नंबर तक पहुंच पाया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन 4 से 5 दिनों में ही विपक्षी एकता में कई लूप होल नजर आए, हल्के फुल्के ही सही लेकिन हैं। पहला लूप होल तब दिखाई दिया जब टीएमसी ने कांग्रेस के स्पीकर कैंडिडेट को लेकर सवाल खड़े कर दिए, और एक समय पर यह लगने लगा कि कहीं टीएमसी के सांसद एब्सटेन न कर जाएं, और एक तरफा कैंडिडेट घोषित करने पर उन्होंने आपत्ति जताई, नाराजगी जताई। अब दूसरा लूप होल देखा इमरजेंसी के मुद्दे पर, जाहिर तौर पर इमरजेंसी का जिक्र आया तो कांग्रेस अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन सदन में इमरजेंसी के जिक्र पर जब कांग्रेसी डेलीगेशन स्पीकर से मिलने और विरोध दर्ज करने पहुंचा तो उसमें साथी दल नदारद थे।
संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े अखिलेश यादव ने भी इमरजेंसी पर सरकार के प्रस्ताव की निंदा नहीं की। उल्टा उन्होंने तो ये कह दिया कि उनकी सरकार ने तो इमरजेंसी के पीड़ितों को पेंशन दी है। जाहिर है अखिलेश और तेजस्वी की पार्टियां इमरजेंसी और इमरजेंसी के वक्त पैदा हुए जेपी आंदोलन का ही उपज है। ऐसे में कांग्रेस का ये एक्सपेक्ट करना कि इमरजेंसी के विरोध में भी उनके साथी उनके साथ खड़े होंगे काफी हद तक गलत साबित हुआ। और आगे भी ऐसे कई मौके आएंगे जहां कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि रीजनल पार्टी की अपनी सियासत है, अपने मुद्दे हैं और बड़ी पार्टी होने के नाते सबको साथ रखने की जिम्मेदारी भी उसी की है। हालांकि आगे क्या होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन सवाल सिर्फ सरकार चलाना है या बड़े कानूनों तक का नहीं, सरकार की साख का भी है। क्यों? क्योंकि इसी साल के अंत में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं और इसके अलावा अगले साल भी दिल्ली की बात कर लें, पश्चिम बंगाल में, बिहार जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, ये तमाम वो राज्य हैं जिनकी राजनीति सीधा दिल्ली को इम्पैक्ट करती है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव भी होंगे। अब ये चुनाव भले ही राज्यों के लिए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका इम्पैक्ट संसद पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा प्रेसिडेंट के चुनाव पर। और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा दूर की कौड़ी समझती है, प्लानिंग करती है, रणनीति बनाती है, उसकी रणनीति अभी से तैयार है कि 2027 में होने वाले चुनाव की रणनीति क्या होगी, क्योंकि उससे पहले राज्यों के चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी हो जाता है। 2027 में यानी 3 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा और आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानमंडल भी वोटिंग करते हैं। यानी अगर विपक्ष इन राज्यों में भी बढ़िया करने में कामयाब रहता है तो फाइट क्लोज हो जाएगी और ऐसे में एनडीए के साथी दलों का जो रोल है वो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या तब भी मोदी सरकार ये तेवर और मजबूती बरकरार रख पाएगी या संतुलन साधने की कोशिश में सॉफ्ट होती नजर आई। फिलहाल 18वीं लोकसभा के पहले हफ्ते का जिस तो यही है कि विपक्ष चाहता है कि पहले जैसा समझने की गलती ना की जाए, तो वहीं सरकार का मैसेज भी क्लियर है कि मैथमेटिक्स भले ही बदला हो, मिजाज नहीं बदला, लेकिन मैसेज, मैथमेटिक्स, संकेत और सियासत के इस खेल में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। कई सवाल भी बाकी हैं, फिर भी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले हफ्ते में जो तस्वीरें दिखी हैं उनसे फ्यूचर की एक झलक तो नजर आती है।